ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसिज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनियां नूं देवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसीं जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसीं अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। तीन वड्डे बेनीफिट असीं देवांगे अगर तुसीं आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी च आपां नूं मिल सकदी है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहुंदे हो चाहे यूके, परिवार दे नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो, मतलब पैसे लवेंगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावांगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जदों भी कोई एप्लीकेशन लैंदी है तो साड़ी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो जीरो कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90238 90238, और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस मिलोंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश रहती है आपको नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखने की, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने प्रोफाइल्स अपने फाइल्स के ऊपर अच्छे से काम कर सकें, अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट्स ले सकें। सो आज हम बात करने वाले हैं खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी फाइल्स पहले लगी थी अक्टूबर या सितंबर में या नवंबर अर्ली में, और उन्हें अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे केसेस क्यों होते हैं, ऐसा सिनेरियो क्यों क्रिएट हो रहा है कि एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि रीसेंट फाइल्स के ऊपर, 1 मंथ ओल्ड फाइल के ऊपर भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है, एवरेज टाइम 90 डेज चल रहा है, इट्स फाइन कि 3 मंथ के अंदर वीज़ाज आ रहे हैं, बट कुछ केसेस के ऊपर 4 से 5 महीने का टाइम हो चुका है। सो दे आर गेटिंग डिलेड, तो उनका क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके क्या एक्शंस होने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए आगे के लिए, सो उसके ऊपर आज की बातचीत रहेगी। सबसे पहले चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन होता है कि नया नया कंटेंट, नई नई इन्फॉर्मेशन हम बनाते रहें। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में, जैसे कि आज जो इवेंट है हमारा एप्लीकेशन डे, वो जलंधर में है, कल रहेगा अमृतसर, परसों रहेगा लुधियाना, उसके बाद गुरदासपुर एंड सो ऑन, जितनी ब्रॉडवे की ब्रांचेज हैं उन सब में मैं 1x1 अवेलेबल रहूँगा। आप नीचे दी गई डेट से ये चीज़ें नोट कर सकते हैं और आप आके मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे कि बताया गया कि सारे पैसे वीज़ा के बाद रहेंगे, निश्चिंत होकर अप्लाई कर सकते हैं। कैनेडा के अंदर हम बिल्कुल पैकेजेस नहीं कर सकते, ना ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में भेजने का है, और अच्छे कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। वीज़ा सक्सेस रेट वहीं मिलेगा जिस तरह से कैनेडा की रिस्ट्रिक्शंस या स्ट्रिक्टनेस जो हम देख रहे हैं प्रोफाइल्स को लेकर, एप्लीकेशन के स्टैंडर्ड्स को लेकर। सो जो बच्चों की पुरानी फाइल्स लगी हुई हैं अक्टूबर वाली फाइल्स को, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि वो इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फाइल अक्टूबर में लगाई है और जो बायोमेट्रिक है वो नवंबर में हुआ है, और जिनके बायोमेट्रिक्स नवंबर में हुए हैं तो उनके प्रेजेंटली रिजल्ट आ रहे हैं, तो उन्हें तो इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक भी अक्टूबर में हो चुका है, आपकी फ़ाइल भी अक्टूबर या अक्टूबर से पहले सबमिट हो चुकी है, या उससे पहले आपकी फ़ाइल और बायोमेट्रिक दोनों हो चुके हैं, देन आपको कहीं ना कहीं वेब रेज एक बार कर ले, वेब फॉर्म जो है वो एक बार रेज कर लेना चाहिए। हाई कमीशन को अपना प्रेजेंट स्टेटस जो है IRCC को वो अपडेट करें, आपका नया LOA अपडेट करें, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, और खासकर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं उनके लिए वो वेब फॉर्म रेज करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मोस्ट लाइकली जो फाइल्स रुकी हैं वो उन पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कई बार आपकी जो फाइल्स होती हैं वो वेरिफिकेशंस में चले जाती हैं। वेरिफिकेशंस कई तरह की होती हैं, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को लेके हो सकती हैं, आपके फंड्स के एकेडमिक्स को लेके हो सकती हैं, कई तरह की वेरिफिकेशंस होती हैं। जब ऐसी रैंडम फाइल्स वेरिफिकेशंस के लिए पिक होती हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो प्रोसेस टाइम है वो एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो उस केसेस में थोड़ा सा पेशेंस आप बच्चे को रखना पड़ सकता है, सो थोड़ा पेशेंस रखें। वैसे भी जो आपकी क्लासेस हैं वो मोस्ट लाइकली मे की होंगी या फिर अब सितंबर की होंगी, तो दोनों के लिए आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है कि आप इंतज़ार कर सकते हैं। नवंबर की फाइलों के जब रिजल्ट बंद हो जाएंगे और अगर आपका रिजल्ट तब भी ना आए, देन डेफिनेटली इट कुड बी अ पॉइंट ऑफ वरीड कि आपको हाई कमीशन से कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए। बट इनिशियली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उस चीज़ के लिए, तो आई एडवाइज यू कि जस्ट अपना एक वेब फॉर्म अरेज कर दें, दैट कुड हेल्प यू। अदरवाइज वेट और इंतज़ार ही आपको अभी करना होगा। लेकिन जो फ्यूचर वाले बच्चे हैं जो उन्होंने फाइल्स लगानी है, आई एडवाइज़ दैम
कि वो डिले ना करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैनेडा फाइल्स को एडवांस लगाया जाए। जितनी जल्दी और जितना एडवांस आप अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकेंगे उतना ज़्यादा और अच्छा रहेगा, ताकि आपको ये जो रिज़ल्ट आने वाला जो टॉर्चर है बहुत सारा माइंड पे प्रेशर क्रिएट करता है, बच्चे के भी फैमिली के भी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, इस प्रेशर से बचना है तो अपनी एप्लीकेशंस को 3 से 4 महीने एडवांस लॉन्च करें कंप्लीट वाली विद बायोमेट्रिक। थैंक यू। सत श्रीकाल दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो लैके आया एप्लीकेशन डे। तुहाडे सुपनियां नूं दवांगे हकीकत दी उड़ान। तुसीं जाना चाहुंदे हो ऑस्ट्रेलिया या यूके, जाना चाहुंदे हो परिवार दे नाल, ऑप्शनस लभदे हो विदाउट आईलैट्स, सारा कुछ मिलेगा ब्रॉडवे दे एप्लीकेशन डे ते, जिथे आके तुसीं अपने केसिस नूं रजिस्टर कर सकोगे। 3 वड्डे बेनीफिट असीं दवांगे अगर तुसीं आके अप्लाई कर रहे हो सेम डे। सब तो पहला यूके यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है 5 लाख तक की स्कॉलरशिप। दूसरा, चाहे तुसी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो चाहे यूके, परिवार के नाल पूरा केस तुसी एक पैकेज अप्लाई कर सकते हो, मतलब पैसे लवेंगे जिदन तुहाडे वीजे दे नाल फोटो खिचावेंगे। और थर्ड वड्डा बेनीफिट, ब्रॉडवे जो भी कोई एप्लीकेशन लेंदी है तो साड़ी एक प्रोसैसिंग फीस है, बट अगर तुसी इस एप्लीकेशन डे दे दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना आके अपने केस नूं रजिस्टर कर रहे हो तो 0 कॉस्ट होगी जिन्ना चिर वीज़ा नहीं आता। सो बेफिक्र होकर अप्लाई करो, अपॉइंटमेंट अपनी बुक करो 90-238-90-238 और मैनू परसनली तुसी उस दिन ब्रांचिस च मिलोंगे। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाने के सुपने नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।